हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन प्लांट, जेट प्लांट की। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो आप इस प्लांट को बस ले आइए और लगा दीजिए। इसकी कोई केयर नहीं है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। और सबसे अच्छी बात इस प्लांट की ये रहती है कि आप इस प्लांट को जिस शेप में जिस शेप को देना चाहें आप उस शेप में दे सकते हैं। जैसे ये मैंने टोपियारी बनाई है, इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये एक छोटा सा भी बोनसाई बना रही हूँ। और ये मेरा देखिए, ये बड़ा बोनसाई है। देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छी डेवलप हुई हैं। और ये बोनसाई देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एक ये है बोनसाई जो अभी मैं तैयार कर रही हूँ, इसकी भी देखिए रूट्स जो है काफ़ी अच्छी जो है डेवलप हुई है। और तैयार होने में थोड़ा समय है। और एक ये लंबा पेड़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक छोटा सा देखिए, ये गार्डन को सजाने के लिए मिनिएचर हाउस है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा बस मिट्टी डाल करके इसको एक छोटा सा कटिंग लगाया था, जो बहुत ही अच्छे से चल पड़ी है। इसकी नई पत्तियां भी देखिए निकल आई हैं, इसका मतलब इसने ग्रोथ ले ली है। बात करें इसकी मिट्टी की, तो मिट्टी इसका एकदम वेल ड्रेन बनाएं। वेल ड्रेन का मतलब जैसे ही आप पॉट में जो है पानी डालिए, ड्रेनेज होल से जो है पानी तुरंत बाहर निकल जाए, इसमें पानी रुकनी नहीं चाहिए। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। और आप अगर इसको नर्सरी से लेकर के आइए, तो अधिकतर नर्सरी वाले इसको इंडोर प्लांट बोल करके देते हैं, पर ये इंडोर नहीं है, ये टोटली आउटडोर प्लांट है। इसको सुबह की 5 से 6 घंटे की धूप अगर अच्छी मिलेगी तो ये बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ लेता है। बात कर लें इसकी वाटरिंग की, इसको वाटरिंग कैसे करनी है, तो पानी आप हमेशा इसकी सॉइल को देख कर के ही दें। अगर सॉइल जो है इसकी सूखी हुई दिखे तभी आप इसमें वाटरिंग करिए, नहीं तो नहीं करिए। क्योंकि ये एक बहुत हार्डी प्लांट है। और अगर ये प्लांट आपका सूखता है तो मेन इसका रीज़न यही रहता है कि इसमें ओवर वाटरिंग अगर हो जाती है तो इसकी रूट्स जो है गलने लगती हैं और धीरे धीरे ये पौधा मरने लगता है। इस प्लांट में हमें 2-3 प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी पहचान हम इसकी पत्तियों को देख करके कर सकते हैं। अगर आप इसकी पत्तियाँ अगर बहुत ही पतली एकदम जैसे सूख करके गिर जाती हैं पीली हो करके, तो आप समझिए कि आपने इसको वाटरिंग कम की है, आप इसको तुरंत पानी दीजिए। दूसरी जो है, अगर इसकी पत्तियाँ खूब मोटी हैं फिर भी झड़ रही हैं, तो इसका मतलब जो है आपने इसको ओवर वाटरिंग की है, आप पानी तुरंत रोक दीजिए, पानी ना दीजिए। तीसरी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है कि इसकी जो है पत्तियों में काले काले जो है स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसको देख करके हमें ये पता चलता है कि इसकी सॉइल में फंगस अटैक हुआ है। तो आप इसमें तुरंत जो है फंगिसाइड डालिए, नहीं तो इसकी सॉइल को आप चेंज कर दीजिए। एक चीज़ और मैंने जो देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इस प्लांट को हिबिस्कस के पास रखा था, जो हिबिस्कस में मिली बग होते हैं, वाइट कलर के जो कीड़े होते हैं, उस हिबिस्कस की वजह से इसमें भी मेरे हो गए थे। ये देखिए एक अभी दिख रहा है, मैंने रात में इसमें नीम ऑयल का जो है स्प्रे भी किया था, आपको वाइट वाइट स्पॉट्स दिख रहे होंगे, तो मैंने इसमें रात में नीम ऑयल का स्प्रे किया था, लेकिन ये काफ़ी हद तक अब सही भी हो गया है। अब इसमें बहुत कम ही रह गए, 1-2 ही रह गए हैं, वो भी सही हो जाएंगे। बात करें इसके फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र हमें साल में सिर्फ 2 बार देनी पड़ती है। आप इसमें जो है फरवरी में और सितंबर अक्टूबर में इसको 2 बार फर्टिलाइज़र दें। फर्टिलाइज़र में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और फरवरी में DAP डाल सकते हैं। बात करें अब इसके प्रोपोगेशन की, तो प्रोपोगेशन इसका बहुत ही ईजी है। आप किसी भी महीने में, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, आप किसी भी महीने में आप इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं, जो बहुत ही इजी है करना।
आप जो है कोकोपीट और सैंड मिला करके एक छोटी सी इसमें से कटिंग ले लीजिए, और इसके जो नीचे की लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, इसको हटा दीजिए। और हटाने के बाद इसको आप कम से कम इतना नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। दबाने के बाद इसमें आप जो है वाटरिंग कर दीजिए। ये आपका पौधा जो है 10 से 15 दिनों के अंदर ही अपनी जो है ग्रोथ ले लेता है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये छोटी सी छोटी कटिंग भी लग जाती है। मैंने जो है जब मैंने शुरू में मैंने जब प्लांट लिया था ये इसका, तो सबसे पहला प्लांट मेरा ये है, इसी से ही मैंने जो है सारी कटिंग कर कर के मैंने सारी प्लांट बनाए हैं। मेरे पास इसके और भी प्लांट हैं जो मेरे गार्डन में रखे हुए हैं, बोनसाई हैं, प्लांट हैं, और छोटी छोटी कटिंग्स मैंने इसकी बहुत ज़्यादा लगा के रखी हुई है, जिसका मैं टोपियारी बनाऊंगी। बात कर ले ठंडियों की केयर की, तो ठंडियों में इसका थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है, और जो है इसको फुल सनलाइट में रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी आप इसमें पानी डालें तो आप जो है इसकी सॉइल को चेक करिए, और चेक करके तब पानी डालिए, और नहीं तो अगर ज़्यादा इसमें पानी हो जाएगा तो इसमें मिट्टी में इसकी जड़ें जो है सड़ने लगती हैं, जिससे आपका पौधा ये ठंडी में जल्दी मरता है। लेकिन जो है फरवरी मार्च में आते आते जो है ये पौधा जो है अपनी अच्छी ग्रोथ ले लेता है। बस उस टाइम थोड़ा सा इसको आप फर्टिलाइज़र डाल दीजिए तो ये अपनी नई ग्रोथ शुरू कर देता है, और बहुत अच्छे साल भर बहुत अच्छे से चलता है, और इसके नए नए आप एक से जो है ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, अगर नए वीडियो में और नए प्लांट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, बाय।